वीडियो में गाड़ी लेके आया ना, ये है टाटा की सबसे लेटेस्ट लॉन्च नेक्सॉन का डार्क एडिशन, और वो भी ईवी में। ईवी में भी डार्क आ चुका है वापस से। यार रोड नॉइस आए तो उसको इग्नोर करना ना, मैं चलते हुए रोड पे हूँ अभी। तो ऐसे कुछ अपने को इसकी की मिलती है, लॉक अनलॉक। ये जो अपना अगर पार्किंग में कहीं गाड़ी है तो ये लाइट ब्लिंक कर देगी, और ये बूट ओपनर आ जाता है, पीछे टाटा का लोगो आएगा। जैसे कि आप लोग देखोगे तो ये अभी गाड़ी लॉक है, ये अनलॉक दबाया, ये अनलॉक होते ही अपने मिरर्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। अब जो ये वाला जो बटन है ना लाइट वाला, इसका फंक्शन देखते हैं। ये ऑन करते ही अपनी हेडलाइट्स अपने आप और DRL ऑन हो जाएगी, जैसे कि आपको गाड़ी अगर पार्किंग वगैरह में कहीं है तो वो आपको ढूंढने में हेल्प करेगी। और साथ ही साथ इसका फंक्शन ये भी अच्छा रहता है ना, जैसे आपने डार्क में गाड़ी पार्क करी, मतलब काफ़ी अंधेरा है साइड में ना, तो आप ये ऑन करे रख सकते हो, जाके आप जब तक आप जहाँ भी आपको अंदर जाना है वहाँ जाके आप ये अपने आप ऑफ कर सकते हो ऐसा कुछ। गाड़ी के अगर फ्रंट की बात करें, स्टार्ट करें, तो गाड़ी में अपने को मिलेंगे प्रोजेक्टर हैंडलैम्प। अब आप इसको लुक को अगर थोड़ा सा आप देखो ना, तो ये हल्का हल्का एक तो इवोक और अपनी जो फॉर्च्यूनर आती है उसका थोड़ा बहुत एक मिनी वर्जन लगता है। बाकी अपनी अपनी आपका एक सोच हो सकती है इसको, पर मुझे कोट मत करना, मुझे जैसा लगा वो मैंने आपको बता दिया। तो अपने को गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, और हेलोजन ये साइड में बल्ब भी मिलेगा, हाई बीम लो बीम का चक्कर है, ये अपना फॉग लैम्प्स हो गए। इसके साइड में अपने को पूरी इस गाड़ी में ना ये वाला टच, क्योंकि ये ईवी है तो ये वाला टच अपने को देखने को मिलेगा। साइड में चलें अगर ग्रिल की बात करें बीच में, तो ये अपना ईवी की ब्रांडिंग यहाँ भी है, वही वाला ये ब्लू वाला टच यहाँ भी हाईलाइट। ब्लैक अपने को क्योंकि डार्क एडिशन है तो टोटल अपने को ब्लैक मिलेगा, इसकी प्लेट भी जो भी कंप्लीट ब्लैक मिलेगी। ये वाला अपना पियानो ब्लैक फिनिश आ जाएगा। तो ऐसा कुछ अपना फ्रंट हुआ। टायर्स की बात करें तो 215/60R16, मतलब 215/60R16, ये अपने को MRF का। इसमें ये थोड़ा ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा ना ग्रे टच है, ये वाला अलॉय मिल जाएगा। फेंडर पे अपने को ये हैशटैग डार्क की पैचिंग मिल जाएगी, ये वाली। इसी के साइड में ईवी की भी है। साइड मिरर पे अपने को LED टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे। ये वाला जो पिलर है इसका फ्रंट वाला, ये अपने को मैट में मिलेगा। रूफ रेल्स मिल जाएंगी गाड़ी में अपने को, 4 पिन एंटीना है। तो कुछ साइड लुक की अगर अपन बात करें तो ऐसा कुछ साइड प्रोफाइल मिलता है अपने को। ये अपने को यहाँ पे क्लेडिंग भी मिल जाएगी रबड़ वाली साइड डैमेज के लिए। अपने को गाड़ी में मिलती है कीलेस एंट्री। और अगर अपन चार्जिंग की बात करें तो टाटा ने जो अपने डीलरशिप है, जैसे मैं अभी आया हुआ हूँ रोशन पे, जयपुर वाले भाई जो भी होंगे वो जानते होंगे कहाँ है, पिंक स्क्वायर के अपोजिट में, यहाँ पर भी ये ना चार्जिंग के लिए ये स्टेशन लगा हुआ है, फास्ट चार्जर कह सकते हैं उसको आप ना, तो ये लगा रहता है। पीछे की अपन बात करें तो ऐसा कुछ अपने को इसका रियर रोल लुक मिलता है, डिफॉगर विद वाइपर। अपना हाई माउंट स्टॉप लैम्प अपने को स्पॉइलर में मिल जाएगा, ये फाइबर में है, ये मेटल नहीं है, ये फाइबर में है। ये अपनी वोकल फॉर लोकल वाली स्टिकर आ गया, ये जिप्ट्रॉन की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो। कैमरे की प्लेसिंग बिल्कुल लोगो के नीचे छोटी सी, ये नेक्सॉन की डार्क में ही यहाँ पर नाम आ गया। ये अपना रिक्वेस्ट सेंसर आ जाएगा डोर ओपन के लिए, बूट ओपन के लिए। ये अपने नीचे की अगर अपन बात करें तो नीचे ये अपने को गाड़ी में 2 रिवर्स सेंसर मिलते हैं। ये अपने रिफ्लेक्टर आ गए। टेल लैम्प आ जाएगी LED में, जो कि जलने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। बूट की अगर अपन बात करें तो अच्छा खासा सफिशिएंट स्पेस बूट में मिलता है। ये 2 लगेज हुक मिल जाते हैं, लगेज लैम्प भी मिल जाएगा अपने को यहाँ पर पूरी में। इसमें इंसुलेशन अच्छा है काफ़ी, हालांकि ये इलेक्ट्रिक है, कोई नॉइज़ वगैरह आपको आएगी नहीं, फिर भी इंसुलेशन अच्छा है। ये 2 लगेज लैम्प यहाँ भी, लगेज हुक यहाँ भी मिल जाएंगी। गाड़ी में अपने को पार्सल ट्रे मिल जाती है कंपनी की तरफ से ही इस वाले मॉडल में, जैसा कुछ। ये भी अच्छी खासी स्पेस है, इस पर भी ना टाटा की ब्रांडिंग हुई है, अच्छी है काफ़ी ना, इसका फील भी अच्छा है। चलो बूट को कर देते हैं बंद। एक बार आप पूरा गाड़ी का ना
वॉक अराउंड देखो बाहर से कैसी लगती है, कैसा लुक है। ऐसा कुछ अपने को गाड़ी का लुक मिलता है ईवी का। आप चाहो ना तो बाद में आप अगर कोई ले रहे हो ईवी जैसे कोई लेता है तो आप लोग इसको, ये जितना भी ब्लू पार्ट है उसको भी आप ब्लैक करवा सकते हो बाय पेंट और बाय रैप कैसे भी। आप ये पूरा कंप्लीट जो है ना ब्लैक हो जाएगी ये सब कुछ, जैसे ये ब्लैक डी बेजिंग होती है तो ये सब कुछ आप ब्लैक करवा सकते हो आफ्टर मार्केट ना। एक ना इसकी वाइपर ब्लेड भी बहुत अच्छी मिलती है ये, मतलब इसका जो इफेक्ट रहेगा ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा कुछ अपना लुक है। अब आपको मैं ना अंदर चलने से पहले मैं आप लोगों को इसके बूट में दिखाता हूँ। हाँ बूट में क्या, हुड में कि बोनट के नीचे क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक है, बोनट की अगर अपन बात करें तो बोनट खोलते हैं पहले। तो ऐसा कुछ अपने को इसके बोनट के नीचे मिलता है। ये सब अपना जिप्ट्रॉन ईवी की पैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी इसकी मशीन वगैरह रहती है ये सब कुछ मिल जाएगा। ये अपना बैटरी हो गई, ये सारा कुछ है। अब चलते हैं मैं गाड़ी के अंदर, के अंदर में क्या क्या मिलता है अपने को ना। इस पूरे वीडियो को अपन कोशिश करेंगे अनकट ही रखने की। ये अपना ऐसा डार्क डोर पैनल मिल जाता है। अब एक चीज़ आप इसमें, जो लोग बाहर से आफ्टर मार्केट जाते हैं ना जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका रूफ़ चेक करो, रूफ़ वगैरह अपना डोर है, ये जो ग्रे वेंडल होते हैं ये सब कुछ ब्लैक है, सब कुछ टोटली ब्लैक आउट मिलता है इसमें ना डार्क एडिशन का। यही बेनिफिट है, मतलब ये लोग आफ्टर मार्केट जा करके इसको चेंज करवाते हैं। डोर पैनल की अगर अपन बात करें तो यहाँ अपने को ये लेदराइट मिल जाएगा, ये भी ब्लैक में ही है। ये अपने ट्विटर की प्लेसिंग है, हरमन वाला सिम सिस्टम आता है ना। ये अपना अम्ब्रेला के लिए है, बनाऊँ तो है पर इतनी स्पेस है नहीं। ये अपना स्टोरेज स्पेस कुछ कुछ आ जाएगा, यूटिलिटी स्पेस। अब अंदर चलते हैं, अंदर क्या रहता है कैसा रहता है। तो यार रोड नॉइज़ ना बाहर ज़्यादा ही आ रही है इसलिए गेट अपने को बंद ही रखना पड़ेगा। अब अगर अपन ऊपर की ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ अपना ये माइक आ जाएगा जो भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, कॉलिंग वगैरह के लिए। ये अपना स्पेस यहाँ है एक, ये अपनी लाइट्स आ जाएगी। अब आप इससे देखो टाटा का एक लेवल देखो, ये स्विच भी ब्लैक है। ये जो इसका ग्लास है ये अगर अपन बंद कर दें तो ये भी थोड़ा सा ब्लैक आउट किया गया है। सनवाइज़र जो है ये भी ब्लैक है। वैनिटी अपने को ड्राइवर साइड नहीं मिलती, पैसेंजर साइड अपने को वैनिटी मिलेगी, ड्राइवर साइड प्लेन जो ऐसा कि नॉर्मली सब कार्स में होता है। अब अगर अपन इसकी बात करें ना तो आप ये चेक करो, जो इसके सीट बेल्ट्स हैं ये भी एडजस्टेबल हैं शायद, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ तो है पुल। अब ये देखो ये अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ अपने को इसमें डैशबोर्ड आ जाता है पूरा। ये अपना स्टेयरिंग व्हील है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है इसका। ये पूरा ही हॉर्न है, ये भी जो है ना ग्लॉस वाला पार्ट, ये भी इसका हॉर्न है। ये यहाँ से अगर अपन इसको पुश करेंगे, ये अपने सारे जो म्यूज़िक रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो आ गए आ जाते हैं। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अपना जो कॉलिंग वगैरह के लिए आ जाता है। ये टाटा का लोगो, एयरबैग भी अपने को एक इसमें मिलता है, एक एयरबैग अपने को यहाँ मिलता है, इसमें शायद दो ही एयरबैग होंगे ऐसा कुछ ही रहता है। ये अपना जो रहता है मैं आपको गाड़ी ऑन करके अभी दिखाऊंगा आगे। इसमें अपने को गाड़ी में ऑटो एसी मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सब कुछ ऑटो मिल जाएगा। ये अपना पियानो ब्लैक फिनिश में ये वाला पार्ट भी मिलेगा। यहाँ भी नेक्सॉन की बैजिंग आ जाएगी, ये वही एसी वेंट्स पे भी अपने को ये स्काई ब्लू वाला पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ भी है, ये स्टोरेज स्पेस भी है ये, और इसमें भी ये वाला पार्ट है। बाकी उसके अलावा और कुछ किसी और कलर में नहीं है, सब कुछ ब्लैक में। ये एसी के कंट्रोल हो गए, ये एसी वेंट्स आ गए, अपने हज़ार्ड लैम्प का स्विच आ जाता है। ये हरमन का अपने को ना यहाँ पे हरमन की है, अगर आपको दिखे तो। यार बाहर है अभी फुल गर्मी तो अपने को थोड़ा ना एसी चलाने की ज़रूरत पड़ी है। तो अगर अपन स्टेयरिंग कंट्रोल्स की बात करें ना, ये वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स के लिए, तो ये अपने को वाइपर के कंट्रोल आ गए, ये अपने इस साइड पे हेडलैम्प्स के कंट्रोल आ गए, जो भी सब कुछ आना था। और बाकी कोई स्विच दिख नहीं रहा। इसका स्टार्ट स्टॉप बटन भी इस साइड है, मतलब जहाँ मतलब नॉर्मली आपको इस साइड ही मिलेगा पर ये इस साइड है। ये सब कुछ हो गया। स्टेयरिंग की अगर अपन स्टेयरिंग के फीडबैक की बात करें तो ये तो खड़ी गाड़ी है, बाकी काफ़ी स्मूथ है। डी कट अपने को स्टेयरिंग व्हील मिलता है इसमें। तो ऐसा कुछ ये है। अब आपको मैं इसकी एम आई डी का जो दिखाता हूँ, अगर अपन स्टार्ट करते हैं, जब अपन एम आई डी स्टार्ट करेंगे
तो एक तो देखो आप 51 किलोमीटर जो ऊपर दिखा रहा हो उसकी रेंज दिखाता है, 41% इसमें अभी बैटरी है। तो अगर अपन जैसा अभी स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाया तो इसमें क्या आता है, ऐसा कुछ अपने को ये आता है, पूरा इंसुलेशन देखने को जिप्ट्रॉन की आ जाती है पूरा, तो ये सारा कुछ आ जाता है। अब ये वाला जो स्विच है इसकी अगर अपन बात करें तो ये सारा कुछ उसी से ऊपर कंट्रोल होता है, ये आपका ट्रिप बी ट्रिप है, ये आपका एनर्जी फ्लो जो कंप्लीट जो उसका सारी इन्फॉर्मेशन रहती है ईवी की, ये सब कुछ रहता है। बाकी सब कुछ इसमें ज़्यादातर मिल ही जाएगा। अब अगर अपन इस मॉडल से ऊपर वाले की बात करें तो इससे ऊपर एक मॉडल और आता है जिसमें इसमें जो ऐड होगा वो जैसा कि मुझे शोरूम वालों ने बताया है ना, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, एक तो उसमें रेन सेंसिंग अपने वाइपर्स आ जाते हैं ऑटो वाले और एक सनरूफ ऐड हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये दो फीचर्स उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ अपने को ये सेंटर कंसोल जो आ गया ना वो ये वाला ये आता है, ये अपनी स्पेस आ गया, ये आपका एक 12 वाट का चार्जर ये आ जाता है, एक चार्जर अपने को ये मिल जाता है। तो ऐसा कुछ ये है, ये अपने सारे मोड्स वगैरह रहते हैं। ये जो इसमें जो अच्छी चीज़ लगी है ना मेरे को, एक तो ये आर्मरेस्ट आपका आ गया, इस पर भी है ना ये वाले स्टिचिंग जो यही ब्लू कलर की मिलेगी, इसमें ये अपना स्टोरेज स्पेस आ जाता है जो कि हाँ सफिशिएंट है। पर इसमें ना एक चीज़ ये जो अगर अपन देखेंगे ना तो ये जो शटर टाइप है तो ये मिलके ये इसी में कनेक्टेड है पूरा, मतलब ये कंप्लीट एक ही स्पेस है। आपके पास जैसे कोई फाइल वगैरह हो बड़ी तो वो आप इसमें रख सकते हो। ये अपना हैंड ब्रेक आ जाता है, ये भी लेदर रैप्ड है, स्टेयरिंग भी है जो है वो भी लेदर रैप्ड है, और इस पर भी अपने को ये स्टिचिंग जो है अपनी स्काई ब्लू कलर की मिलेगी। यही चीज़ सीट्स पे भी है, सीट्स भी ना काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें लेदराइट है, लेदर सीट मिल जाती है, ये आप देखो ये लेदर सीट्स मिल जाएंगी। ये सब कुछ ये जो है ये यहाँ भी मिलेगा ना अपना, ये कुछ डिज़ाइन है जैसा कि आगे फ्रंट ग्रिल में था। अब अपन चलते हैं पीछे, उससे पहले मैं अपनी सीट ये जो थी ये मैं मेरे अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग अगर ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो ईवी जो ये नेक्सॉन ईवी है ये मैनुअल में नहीं आती, ये ऑटो ही है। आप अगर देखो तो दो ही पैडल है, ये दो पैडल मिलते हैं अपने को बस। इसके ग्लव बॉक्स की बात करें ना अपन तो ये काफ़ी है ना इसमें, मतलब मैंने अभी तक किसी गाड़ी में इतना स्पेस देखा नहीं। एक तो इसका स्विच जो है वो यहाँ है, अब इसमें स्पेस देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ एंड है, और पूरा कूल वाला है, अंदर लाइट भी है, और ये भी मेक इन इंडिया की वो सब कुछ हुआ है। ये एक स्पेस यहाँ है ये पेन रखने के लिए, ये आपका कप होल्डर आ गया, ये कार्ड होल्डर आ गया, बाकी इसमें भी दो कंपार्टमेंट है, ये कुछ फाइल पेपर वगैरह रखने के लिए ये वाला है। चलो अब चलते हैं अपन पीछे, उससे पहले मेरी सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो ही चुकी है, गाड़ी बंद कर देते हैं। ये शायद ना इसका चार्जर रिलेटेड पार्ट होगा, अच्छा वेट भी है इसमें, इसका चार्जर ही दिख रहा है। ऐसा कुछ अपने को ना रियर वाला डोर का पैनल मिलता है, ये भी फुल ब्लैक ही है। ट्विटर आ गए अपने दो स्पीकर, अपने दो ट्विटर आ गए, दो ट्विटर पीछे और चार स्पीकर टोटल। तो मेरी हाइट है 5'10" 5'9" के आसपास ना, तो अब ये स्पेस आप देख सकते हो, सीट भी कर्व है अंदर की तरफ ना, ये यहाँ से देखो यहाँ से सीट भी अंदर कर्व है, और ये एक हाथ जितना लगभग ना स्पेस मिलता है, मतलब सफिशिएंट स्पेस है। पीछे भी अपने को ये सब कुछ ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा, और एसी वेंट्स भी मिल जाएंगे अपने को पीछे। ऐसा कुछ अपने को पीछे से देखने में ना आगे का ओवरव्यू मिलेगा, ये अपना कुछ ओवरव्यू हो गया। बाकी सब कुछ ना मतलब अच्छा है, एक रिच फील आ रहा है। और इसकी अगर रेंज की बात करें ना कि फुल चार्ज में कितना चलती है, सबसे पहले तो उसका टाइम की बात करते हैं। तो जैसा आपको लोगों को मैंने ये वाला जो अभी चार्जर दिखाया था ये फास्ट चार्जर है, तो ये गाड़ी चार्ज कर देता है लगभग एक घंटे के आसपास ना फुल चार्ज कर देता है। और जो चार्जर गाड़ी के साथ आता है वो चार्ज करता है गाड़ी को 8-9 घंटे में, जैसा कि मुझे शोरूम वालों ने बताया। और जो अगर रेंज की बात करें तो एक चार्ज में कितना चलती है ना नेक्सॉन ईवी, तो वो चलती है लगभग 250 के आसपास, 250 किलोमीटर के आसपास ना ये इतना चलती है एक चार्ज के अंदर। और
बाकी सही है यार, अभी के हिसाब से ना पेट्रोल वगैरह की रेट इतनी ज़्यादा हो ही रही है, तो ईवी का ही आने वाला टाइम ईवी का ही है, फ्यूचर ईवी का ही है। तो ये अपना कुछ सारा कुछ कंप्लीट इंटीरियर का भी बता ही दिया है मैंने आप लोगों को ना। तो यार एंड करते हैं ये अपना नेक्सॉन ईवी का वीडियो। चैनल पे नए हों और वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को ना, मेरे वीडियो दो चार वीडियो आप चेकआउट करना, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट कार है। आप लोगों को अभी कोई भी आपके ग्रुप में किसी को लेनी हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए ड्राइव सेफ़।